जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, बुद्ध देवता जो हमारी बुद्धि के मालिक हैं, हमारे व्यापार की शक्ति के मालिक हैं, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा काम करते हैं, उनकी बुद्धि को तीक्ष्ण करते हैं, व्यापार में धन दौलत दिलाते हैं और अपनी बुद्धि के बल पर एक फकीर को भी राजा बनाने में समर्थ हो जाते हैं, गरीब से गरीब आदमी को अमीर बना देते हैं वो अपनी बुद्धि के बल पर। तो ये जो बुद्ध देवता है, जो अभी तक यानी 1 फरवरी 2024 दोपहर में 2:29 पर बुद्ध देवता धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो बुद्ध देवता का मकर राशि में प्रवेश करना मेरे लिए और आप सभी के लिए कितना भाग्यशाली बना सकता है आपको, या किस प्रकार से आपके जीवन में शुभ प्रभाव ला सकता है या अशुभ प्रभाव ला सकता है, उसकी चर्चा करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष यहां पर प्रस्तुत हुआ हूं। मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले यानी आप और मैं, हम सभी व्यक्तियों के जीवन में किस प्रकार से शुभ फल देने वाला है या अशुभ फल देने वाला है, इस बात की चर्चा करने के लिए मैं गुरु रजनीश ऋषि, स्वामी राज ऋषि के साथ शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में आज उपस्थित हुआ हूं, उस भगवान शनि देव के दिव्य स्थान पर जहां वो प्रतिमा के रूप में एक दिव्य स्वरूप में यानी हाथी पर बैठकर, वो भी पालती मारकर हाथी पर बैठे हुए हैं, ऐसे दिव्य स्वरूप में यहां विराजमान हैं, ऐसे भगवान श्री शनि देव को प्रणाम करते हुए मैं आज के इस वीडियो को प्रारंभ करता हूं। किंतु इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं उन सभी भक्तगणों को जिनका आज या तो जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है या कोई महत्वपूर्ण दिन है, उन सभी भक्तगणों को अपनी तरफ से, भगवान शनिदेव की तरफ से, स्वामी राज ऋषि की तरफ से शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, आपके लिए सुख शांति सौभाग्य की मंगल कामना करता हूं कि आप सदैव सुख शांति और प्रगति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। जय शनिदेव। तो यहां पर मैं बुद्ध देवता की धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आने की शुभ फलों की चर्चा करूं राशियों के बारे में, उससे पहले मैं आसमान में सभी ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। उस समय जिस समय बुद्ध देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय आसमान में बुद्ध देवता की अपनी राशि मिथुन राशि उदय हो रही है और केतु चंद्र ग्रह के साथ चतुर्थ भाव में यानी कन्या राशि में विराजमान है। अब केतु चंद्रमा को भी ग्रहण लगा रहे हो, कन्या राशि को भी परेशान करेंगे। यहां पर मंगल देवता और शुक्र देवता दोनों ही धनु राशि में विराजमान है, सूर्य देव और बुद्ध देवता मकर राशि में विराजमान है और शनि देव जी यहां पर कुंभ राशि में विराजमान है, राहु महाराज मीन राशि में विराजमान है, जबकि मेष राशि में देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। मेष राशि में देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति विराजमान है जिस समय ये घटना घट रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर मंगल देवता और देव गुरु बृहस्पति के बीच में राशि परिवर्तन का शुभ संयोग भी मिल रहा है, बन रहा है, जिसका फायदा हम सब लोगों को अवश्य प्राप्त होगा मंगल देवता के आशीर्वाद के रूप में और देव गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद के रूप में।
Namaste. My name is Kiran and I'm from South Africa. My experience with Guru Rajneesh Rishiji was when I was going through troubled times. This was way back in 2013. That's when I came across Guru Rajneesh Rishiji's website. And he gave me everything in detail. And with his blessings, I was able to go forward. And afterwards, a lot of problems were solved. बात करूँगा कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में. अब कुंभ राशि वालों, यहाँ आपके लिए कतई अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सूर्य देवता बुध देवता के साथ जाकर विराजमान होंगे 12th हाउस में, आपके खर्चे वाले घर में, आपको परेशान करने वाले घर में, आपको नुकसान पहुंचाने वाले घर में. तो सबसे पहले तो विभिन्न प्रकार के बिल, चाहे बिजली पानी, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह के जो भी बिल होते हैं वो आपको ज्यादा आएंगे. दूसरा, जो स्टूडेंट हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनको निराशा हाथ लगेगी. जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनको भी निराशा हाथ लगेगी. जो प्रमोशन, इंक्रीजमेंट और ट्रांसफर का रास्ता देख रहे थे उनको भी निराशा हाथ लगेगी. जो सरकार में एमपी, एमएलए, काउंसलर का टिकट या मंत्री पद मिलते मिलते मिलने वाला है वो भी एकदम निराश हो जाएंगे. जिनको पक्का था 100% मिल जाएगा वो भी निराश हो जाएंगे. तो अब इस खतरनाक स्थिति को संभालने के लिए आपको क्या करना है, जो स्क्रीन पर आ रहे नंबर है उनको सबसे पहले तो सेव करिए शनिपीठ मंदिर के नाम से या फिर स्वामी राज ऋषि के नाम से, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. एक वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट, अगर आप दिल्ली से बहुत दूर रहते हैं तो एक वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट बुक करिए इन नंबरों पर, और अपनी सभी प्रकार की परेशानियों के बारे में डिस्कस करिए घर बैठे, और जरूरत पड़ने पर हमारे द्वारा मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित, जागृत कराकर ऐसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो साल में सिर्फ एक बार करने हैं या 3 साल में सिर्फ एक बार करने हैं, अंगूठी के रूप में धारण करने मान लीजिए या बाजूबंद के रूप में धारण करते, उनको करने से निश्चित रूप से धीमे धीमे करके आपके जीवन में अभूतपूर्व लाभ की प्राप्ति होगी. और जो लोग स्वयं चलकर मिलना चाहते हैं, आकर मिलना चाहते हैं, वो हमारे शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर बिना किसी झिझक के हमसे मिल सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे भगवान शनिदेव के दिव्य स्वरूप के जो यहाँ पर हाथी के ऊपर पालती मारकर बैठे हुए हैं, इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर अपने आप को धन्य बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिना शनिदेव बाबा की मर्जी के कोई आ ही नहीं सकता है. बहुत कम लोगों को वो यहाँ बुलाते हैं, बाकी लोगों को तो हमसे कहते हैं कि आप घर बैठे उनको मदद पहुंचाइए, चाहे जनता दरबार के माध्यम से पहुंचाएं, चाहे वीडियो कॉल के माध्यम से पहुंचाएं, तो हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं, आप सब लोगों की सेवा में. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे नंबर को सेव करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि समय रहते आप अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अड़ोसी पड़ोसियों की, और यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर दुश्मनों की भी मदद कर सकें. कर भला तो हो भला. जय शनिदेव.